ये किताबें किसी लाइब्रेरी में नहीं बल्कि बसों में रखी गई हैं। राजधानी की सड़कों पर अब बसें ज्ञान के इस भंडार के साथ दौड़ेंगी। दरअसल कैब सेवा देने वाली कंपनी उबर ने अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस शटल सर्विस की शुरुआत की है, जिसकी खासियत लाइब्रेरी ऑन व्हील्स होगी। यानी यात्री को सफर के दौरान बस में ही लाइब्रेरी मिलेगी। जो भी यात्री बस में सफर करेंगे वो अपनी टाइमिंग के हिसाब से किताबें पढ़ सकते हैं। ये बस इलेक्ट्रिक बस है। अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों का चलन बहुत बढ़ गया है। उबर को दिल्ली में शटल बस सर्विस चलाने का लाइसेंस भी मिल गया है, जिसके बाद अब आपको दिल्ली में ऐसी तमाम बसें नज़र आएंगी जो एक तो इलेक्ट्रिक होंगी, लेकिन जो बेहद ख़ास चीज़ है वो मैं दिखाऊंगी आपको, वो है ये लाइब्रेरी। यानी चलती बस में आप किताबें पढ़ सकते हैं। अभी इनिशिएटिव बहुत ख़ास है जो पेंगुइन के साथ मिलकर उबर ने लिया है। ना सिर्फ आप इन्वायरमेंट को बचा रहे हैं इलेक्ट्रिक बसें चला के, इसके साथ ही अक्सर आपने देखा होगा जब लोग बसों में ट्रैवल करते हैं, कैब में बैठे होते हैं, तो वो अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं। लेकिन अब आपको फ़ोन स्क्रॉल नहीं करना होगा, बल्कि आप ऐसे जैसे आप मेरे साथ पैसेंजर सभी देख रहे हैं जो किताबें पढ़ रहे हैं, अब बस में आइए, किताब उठाइए। इसके साथ ही उबर देश की उन चुनिंदा कंपनियों में शामिल हो गई है जिसे दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक शटल बस चलाने का लाइसेंस दिया है। कहा जा रहा है कि इन बसों में सीटें काफी आरामदायक होंगी और सफर में आपको मोबाइल चार्जिंग स्लॉट भी मिलेगा। उबर ने शटल सेवा में लाइब्रेरी के लिए पेंगुइन पब्लिकेशन के साथ हाथ मिलाया है। अच्छा लग रहा है कि हमने एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के साथ पार्टनरशिप करी है। उबर ने भी एक नया वेंचर लॉन्च किया है एंड दिस इज ऑल बिकॉज एनवायरमेंट को भी सपोर्ट और सिक्योर रखना जरूरी है। हमारी जो बुक्स हैं वो हालांकि अभी रिसेंटली वी हैव ट्रांजिशन्ड टू रिसाइकल पेपर, तो इस वजह से हमारी जो बुक्स की क्वालिटी है वो भी इस मैसेजिंग के साथ एकदम फिट बैठती है। एंड ये अच्छा ऑप्शन आपने बोला कि अब फ़ोन पे रहना इज़ अ चॉइस, और फ़ोन पे हम रह सकते हैं, मगर अगर मुझे लगता है अगर बुक्स एक्सेसिबल हो लोगों को, चाहे वो पढ़ते हों नहीं पढ़ते हों, एक आइडिया आता है दिमाग में, एक बुक उठाएगा दो उठाएंगे पढ़ेंगे, अच्छा लगेगा तो शायद घर ले जाएंगे देखेंगे। फिलहाल ऐसी बसें दिल्ली में 50 रूट पर शुरू की गई हैं। यानी जैसे आप एक सामान्य कैब बुक करते हैं वैसे ही आप इसे बुक कर सकते हैं। दावा है कि इसकी कीमत कैब से काफी कम होगी और ये बसें पूरी तरह से एयर कंडीशन होंगी। अभी एक बस की लाइब्रेरी में लगभग 80 किताबें रखी जा सकती हैं। हालांकि अगर डिमांड बढ़ी तो इस लाइब्रेरी का दायरा और भी बढ़ाया जा सकता है। जाहिर है आरामदायक सफर के साथ लोगों को, खासकर युवाओं को, किताबों से जोड़ने की पहल वाकई काबिले तारीफ है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।